असलम टू ऑल यर स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम सो दिस इज़ योर लेसन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एज यू ऑल नो दैट इन द प्रिवियस लेसन विच आई अपलोडिड अ वीडियो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन ड्रा अ ब्यूटिफुल सीन और उसमें हमने एक काम किया था कि डिफरेंट कलर्स को मर्स करके एक सीन क्रिएट किया था सो दैट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस्ट सो लेट्स रिवाइज दिस सो उसके लिए आपने क्या करना है आपने लाइन टू लेना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको लाइन टू ले लें ठीक है मैंने लाइन टू लिया है और उसके बाद मैंने कलर चूज़ कर लिया कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं आप येलो ऑरेंज रेड वट एवर यू वॉन्ट अगर आपने सनसेट ड्रा करना है तो उसके लिए आपने इसी कलर की कम्बिनेशन लेनी है अगर आपने कोई नाइट से रिलेटेड थीम ड्रा करना है सीन ड्रा करना है तो उसके लिए आप ब्लू ब्लैक इस तरह से कोई थीम चूज़ कर सकते हैं ठीक है तो सिंपली मैंने एक लाइन शेप चूज की है फर्स्ट मैंने लाइन ड्रॉ की है येलो देन रेड उसके बाद मैंने ड्रॉ की है ऑरेंज आप ये सीक्वेंस कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो पहले ही रेड कलर कर लें येलो कर लें ऑरेंज कर लें अगर आप इसमें कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हैं सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं आपने एक पॉइंट पकड़ना है और उससे लाइंस को ड्रॉ कर देना है लाइंस को खींच देना है ठीक है और फिर एट देंड हम क्या करेंगे इन कलर्स को मर्ज कर देंगे सो so, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ येलो रेड ऑरेंज देन यू कैन चेंज द कलर उसके बाद फिर मैंने और रेड येलो चूज किया है अगेन आई विल चूज अ लाइन एंड दिस टाइम आई विल चूज येलो कलर ठीक है आप चाहें तो मैरून कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज एज यू ओल नो को जो सनसेट का डिजाइन है उसमें रेड ऑरेंज येलो मैरून इस कलर की वो सारे आप कलर्स नज़र आ रहे होंगे इस तरह से आपने सिंपली एक सेंटर से पॉइंट पकड़ना है और उससे लाइंस को ड्रॉ कर देना है लाइन्स को खींच देना है ठीक है लाइंस ड्रा करने के बाद नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ आपने इसमें कलर करने हैं और मैं अगेन रिपीट कर रही करी यू कैन चूज़ एनी सीक्वेंस आप पहले येलो चूज़ कर लें रेड चूज़ कर लें ऑरेंज चूज़ कर लें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी आप थीम चूज कर सकते हो कोई भी लाइन का कलर चूज़ कर सकते हैं ओके नाओ आई विल चूज़ फिल विद कलर टूल इफ़ वी वॉन्ट टू फिल द कलर इनसाइड दीज लाइन्स और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी ड्राॅइंग में किसी के कोई लाइन कम्प्लीट नहीं है जो अभी आपने ड्रॉ की है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल अगेन ड्रॉ कर सकते हो और उसमें कलर अपना कम्प्लीट कर सकते हैं अगेन कलर करने के लिए यू कैन चूज़ एनी कलर फर्स्ट आई हैव चूज ऑरेंज ना आई विल टेक कलर रेड सिमिलरली आई विल चूज़ येलो Orange. Now I will choose red. Again, I will choose orange. सो so, इस तरह से आपने कलर्स चूज़ करके आप कोई भी कलर्स में पहले चूज कर सकते हैं ऑरेंज कर लें रेड कर लें येलो कर लें कोई भी अपना सीक्वेंस रख सकते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आपने ऑरेंज कलर ही उसमें फिल करना है फिर नेक्स्ट वाली जो शेप है उसमें आपने रेड कलर करना है नो यू कैन चूज़ एनी कलर बिकॉज वी आर ड्रॉइंग सनसेट सीन तो इसमें सनसेट से रिलेटेड मैंने कलर्स चूज़ किए हैं ऑरेंज रेड और येलो टाइप ओके कलर्स चूज करने के बाद ये सिंपल स्टेप था द नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर री आपके पास यहाँ पर एक टूल है री साइज़ पर क्लिक करना है एंड हेयर यू विल फाइंड द ऑप्शन मेन आस्पेक्ट रेशो इसको आपने अनचेक कर देना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ पिग्जल आपने पिग्जल्स पर क्लिक करना है और इसकी वैल्यू कर देनी है वन और ओके okay कर देना है ठीक है आप देखेंगे ये सारे कलर्स एकदम से गायब हो गए हैं और ये मर्ज हो जाएंगे आप इसमें अगेन क्लिक करना है अनचेक कर दें मेन आस्पेक्ट रेशो पिक्सल्स पे क्लिक करें फिर वैल्यू साइन कर दें वन टू टाइम्स हमने किया ये ठीक है सिमिलरली अगेन क्लिक ऑन अनचेक द मेन आस्पेक्ट रेशो और इस दफा आपने जो पिक्सल की वैल्यू है हॉरिजोंटल में वो आपने साइन कर देनी है फाइव हंड्रेड कर दें तो अब देखें जो कलर्स हैं आपके वो सारे मिक्स हो गए हैं अगेन पूरे पेज पर फिल करने के लिए अगेन अनचेक मेन आस्पेक्ट रेशो क्लिक ऑन पिग्जल वैल्यू और अगेन अब इसकी वैल्यू आप इनक्रीज़ कर दें ये अब आपने ट्राई करना है ख़ुद से लाइक like मैंने इस वक्त अगर फिफ्टीन हंड्रेड की है तो उसे देखेंगे जो थीम है मेरी पूरी स्क्रीन पर क्वेयर हो रहा है सो इन दिस वे यू कैन मर्ज डिफरेंट कलर्स आप डिफरेंट कलर्स को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रा अ मून और सन ऑन योर स्क्रीन जस्ट टू चूज द सर्कल शेप and fill the color inside your shape is it clear class क्लास सिंपली हमने क्या किया है लाइन टूल लाइन शेप चूज करके उसको ड्रैग करके ड्रॉ कर दिया पूरे पेज पे ड्रॉ करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है उसके अंदर कलर कर दिए है कभी येलो कभी रेड कभी ऑरेंज ये मिक्सचर हमने कंप्लीट कर दिए आफ्टर दैट वी जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द री टूल रीसाइज पर क्लिक करना है एंड देन आपने क्या करना है जस्ट अनचेक आपके पास एक बॉक्स होगा मेन आस्पेक्ट रेशो उसको आपने अनचेक कर देना है और आपने अपनी पिग्जल की वैल्यू साइन कर देनी है वन जैसे ही आप वन असाइन करेंगे तो जो आपके कलर्स uh, होंगे वो सारे आप इसमें मर्ज हो जाएंगे और आपकी स्क्रीन से वो डिसअपियर हो जाएंगे ठीक है सो so, इस तरह से आपने अगेन दोबारा से रिसाइज पर क्लिक करके उसकी वैल्यू साइन कर देनी है फाइव हंड्रेड दोबारा से साइन करें फिफ्टीन हंड्रेड कर दें सो so, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं नाउ वट एवर यू कैन ड्रॉ ऑन योर स्क्रीन लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रा अ ट्री देन यू कैन यूज़ ओवल शेप लाइन शेप लाइक आई विल चूज नाओ पेंसिल और पेंसिल की यहाँ से मैंने थिकनेस इंक्रीज कर ली नाउ इन दिस वे एज यू कैन सी वी कैन ड्रॉ द ट्री बेस ऑफ अ ट्री नाउ अगर मैंने ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करना है सो विच टूल आई शुड चूज विच शेप राइट आपके पास क्लाउड की तरह फॉर्म में एक शेप है आप उसको चूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेंज द कलर इस वक्त ब्लैक कलर है मैंने इसको वाइट में फिल कर दिया और जो नीचे वाला पोर्शन है यू कैन सिंपली जस्ट रेज इट विद द हेल्प ऑफ इरेजर और इरेजर में भी अगर आपने रेज करना है तो उसमें भी आप कलर चूज़ कर सकते हो लाइक like, मैंने सिम्पल येलो कलर चूज़ कर लिया यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कलर वन कलर टू नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलर वन एंड कलर टू फातिमा कैन यू मी राइट कलर वन का मतलब है कि आपके पास एक जो आप ड्राइंग कर रहे हैं उसका मेन कलर है फ्रंट कलर है और जो कलर टू वो बैकग्राउंड कलर जैसे हम बोर्ड पर काम कर रहे हैं बोर्ड पर टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं तो एक है वो बोर्ड मार्कर यूज रही हैं जो कि ब्लैक कलर में है तो एक वो कलर हो गया जो फोरग्राउंड हो गया जो ऊपर नज़र आ रहा है कलर और एक बैक वाला कलर जो कि बोर्ड का अपना कलर है वाइट कलर सो दैट इज़ नोन एज कलर टू जो कि बैकग्राउंड कलर हुआ नाउ अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स तो आप ये आपके पास लास्ट पे ऑप्शन है एडिट कलर्स उस पर क्लिक करें और आपको एक कलर्स की वराइटी मिलेगी वहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और अपने पैलेट में अपने कलर बॉक्स में ऐड करवा सकते हैं सिंपली जस्ट चूज द कलर एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ ओके इज इट क्लियर क्लास

आपने प्रैक्टिस करनी है वन टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करें यू विल इजीली गेट द कॉन्सेप्ट बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी सो वैन यू विल कम बैक टू योर स्कूल आई विल हेल्प यू देयर इज इट क्लियर क्लास सो इस तरह से आप किसी भी शेप में कलर कर सकते हैं और यहाँ पर आप ट्री की जगह अगर आपने कोई और शेप ड्रा करनी है इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रा बोट इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रा हाउस जैसे पिछले लेसन में हमने एक हाउस ड्रा किया था सो so, इस तरह से आप इसमें कोई भी और चीज़ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इट जस्ट डिपेंड ऑन यू वट यू वॉन्ट टू ड्रॉ एज ए क्लियर ओके सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस वन मोर टाइम एक दफ़ा फिर से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू विल बी क्लियर द कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए एंड नाउ वी विल चूज डिफरेंट कलर्स लेट मी टेक अव पेज एंड नाउ दिस टाइम अगेन वी वट वी विल डू राइट वी विल सेलेक्ट लाइन शेप लाइन शेप चूज करनी है और इस टाइम स्पोज हम एक नाइट का थीम ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट कलर्स को मर्ज करेंगे अगेन वी विल चूज कलर टू आप कोई भी कलर चूज़ कर लें लाइक आई हैव चूज राइट नाउ ब्लू कलर और इस वक्त जो हम थीम रखेंगे दैट इज़ ब्लू स्काई ब्लू ब्लैक पर्पल टाइप इज़ इट क्लियर और आप इसमें कोई भी कलर कंबिनेशन कर सकते हैं बेसिकली आपने कलर्स को मर्ज करके देखना है कि कलर जब मर्ज हम किस तरह से कर सकते हैं किसी भी सीन को या थीम को डिज़ाइन करने के लिए इन पेंट प्रोग्राम सिंपली मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन टू ली है और उसे एक लाइन ड्रा की अगेन लाइन शेप ली और अगेन मैंने कोई और कलर सेलेक्ट करके लाइन ड्रा कर दी ठीक है सो नाउ आई विल चूज

रेड ग्रीन ब्लू को लेके मर्ज मर्च कर दिया था इसमें भी हम डिफरेंट कलर्स को लेके ड्रॉ करके इनको मर्च कर देंगे सो so, इस वक्त आपने सिमिलरली एक पॉइंट पकड़ना है और उसे लाइंस को ड्रैग कर देना है ठीक है अपनी फुल स्क्रीन तक अगेन आई विल चूज लाइन टूल एंड आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन और इस तरह से आपने लाइन शेप को चूज करके डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करनी है सो दैट वी कैन मर्ज दीज शेप्स कलर्स हम इनको मर्ज कर सकें और एक थीम डिज़ाइन कर सकें आफ्टर दैट आई विल चूज वन मोर लाइन शेप एंड आई विल चेंज द कलर नाउ बिकॉज अगर आप कलर चेंज रखेंगे तभी आपके पास एक थीम डिज़ाइन होगा अगर सेम कलर में सेम शेप में या सेम कलर में आप लाइन्स ड्रा कर लेंगे सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ अ थीम सो मैंने अब इस वक्त जो कलर चूज़ किए हैं वो है पर्पल और पर्पल स्काई ब्लू ब्लू ठीक है सो इस तरह से आप थीम को ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं now i will draw one more line at the end of so that i can, can complete it this is black and now i will choose one more line shape with a color of purple so in this way we can draw multiple lines on the screen and now we will see कि हम किस तरह से इसको merge करेंगे so सबसे पहले अब next step क्या है इसमें can anyone tell me हुर can you tell me right आपने click करना है कलर पर अच्छा एक चीज़ याद रखनी कि जैसे ही अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे ना तो ये कलर्स आपकी पूरी स्क्रीन पर फैल सकते हैं और वो सारे कलर्स पता नहीं चलेगा कि कोई कलर दूसरे में मर्ज हो गया सो so, नीचे आप एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर दें और जितने जितनी आपने लाइंस ड्रॉ की हैं उसको कंप्लीट ऊपर की तरफ फिल कर दें ताकि आपके पास कम्प्लीट एक स्क्यर टाइप शेप हो और जिसमें आपने मल्टीपल्स लाइन ड्रॉ की हुई हैं सो इन दिस वे यू कैन मेक दिस लाइन अपवर्ड और जो बाकी अब ये देखें आपके पास कुछ पोर्शन हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं जो कि बाउंड्री को टच नहीं कर रहे आप इनको कम्प्लीट लाइन टूल चूज करके अगेन आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इन दिस वे इज इट क्लियर सो सेम कलर आपने चूज करना है लाइक like अभी ब्लू था तो मैंने ब्लू चूज़ किया नाउ आई विल चूज़ पर्पल और इसको भी मैं बाउंड्री के साथ इस तरह से टच कर दिया सिमिलरली आपने चेक करना है कोई ऐसा सर्कल तो नहीं है जो कि कंप्लीट फिल ना हो लाइन के साथ बिकॉज आपको पता है कि जब आप कोई शेप ड्रा करें और वो कहीं से खाली रह जाए या इनकम्प्लीट हो तो वो कलर वहाँ से निकल के बाहर पूरी स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाता है फैल जाता है सो नाओ दिस इज़ क्लियर सो so, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे अपना फिल विद कलर टूल चूज़ करेंगे इफ़ वी वांट टू फिल द कलर इनसाइड द पिक्चर वी विल सेलेक्ट द कलर और इसमें भी आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं पहले पर्पल चूज़ कर लें ब्लू चूज कर लें इट डिपेंड्स ऑन यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कलर चूज़ किया है आफ्टर दैट आई विल चूज डार्क ब्लू एंड देन आई विल सेलेक्ट अनादर कलर

पिग्जल पे क्लिक करें उसकी वैल्यू कर दें वन कि मैं इन सारे कलर्स को मर्ज करना चाह रही हूँ आप देखें ये स्क्रीन से डिसअियर हो जाएंगे कि वो कलर्स को मर्ज कर दिया उन्होंने अगेन अनचेक दिस बॉक्स मेन आस्पेक्ट रेशो पिग्जल पे क्लिक करें और इस दफ़ा आप वैल्यू दे, दे दें इसको फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड ओके तो अब आप देखें आपके वो सारे कलर्स मर्ज हो के एक कलर थीम डिजाइन हो गया सिमिलरली क्लिक ऑन दिस रिसाइज टूल अनचेक दिस बॉक्स और इस दफ़ा आप पिक्जल वैल्यू इनक्रीज़ कर दें लाइक अगर आप फाइव हंड्रेड में अगर करूँगी तो ये देखें आपकी स्क्रीन पर सेम चेंज रहेगा कोई चेंज नहीं होगा रिजल्ट में सो so, इस दफ़ा वी विल सी विद थाउजेंड कि अगर हम थाउजेंड इसको वैल्यू असाइन करें और हॉरीजेंटली आपने साइन करना है क्यों बिकॉज हॉरीजोंटली हॉरीजोंटली आप काम कर रहे हैं वर्टिकली नहीं अभी भी मेरी स्क्रीन इनकम्प्लीट है सो so, अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ पिक्सल और मैं इसको वैल्यू को साइन कर दूंगी फिफ्टीन हंड्रेड एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ ओके सो आप देखें कि आपके जितने भी कलर्स थे वो सारे कलर्स मर्ज हो चुके हैं इज़ इट क्लियर और जितना आपने नीचे से पोर्शन सेलेक्ट किया था सिर्फ उतने में ये कलर्स मर्ज हुए हैं सो नाओ इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप कौन से कलर्स चूज़ करें हैं करेंगे और किस किस्म का थीम डिज़ाइन करेंगे And now, if you want to draw a moon or sun on your scene, you can easily draw it. Like if I will choose moon and I will fill the color white, I will just take the color into moon, choose circle shape, and this will look like a moon. सिमिलरली नाउ आई विल चूज़ अ ब्रश और ब्रश चूज चूज़ करने के बाद हम सिंपल वाइट कलर में उसको स्पॉट कर सकते हैं अपनी पूरी स्क्रीन में सो दैट इट लुक लाइक अ स्टार्स सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ से ब्रश चूज चूज़ किया और इस तरह आप अपनी कम्प्लीट स्क्रीन पर स्टार्स की फॉर्म में या कोई भी और चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं देन यू कैन इजिली ड्रा इट so basic concept was this in today's lesson how we can merge multiple colors हम different colors को किस तरह से merge करके एक theme design कर सकते हैं so just watch this video lesson very carefully आपने इस video lesson को अच्छी तरह से देखना है and then you have to do the practice आपने इसकी practice करनी है one time practice करें two time practice करें और you can easily you know complete your drawing एंड सिंपली अब आपने क्या करना है आपने इस तरह से कोई भी डिफरेंट कलर्स चूज़ करने हैं कोई भी कलर चूज़ कर ले सनसेट का सेम सीन, सीन या नाइट का सीन कोई भी सीन आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू कम्प्लीट योर ड्रॉइंग राइट योर नेम लाइक इस वक्त मैंने लिखा है हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट कलर्स आपने अपना नेम लिखना है क्लास सेक्शन एंड देन यू हैव टू सबमिट मी इन गूगल क्लास रूम और गूगल क्लास रूम पर आपने मुझे इसको सबमिट करवाना है सो इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन गूगल गूगल क्लास रूम और इन व्हाट्सएप और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो सो वैन यू विल कम बैक टू य स्कूल सो हम इसको ईज़िली देख लेंगे सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर ट्रू ऑल द्लास जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन वेरी केयरफुली एंड टू द प्रैक्टिस इन योर कंप्यूटर